हेलो बच्चों, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है, यदि बहुपद ये आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को, आपको एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, आपको किस से भाग दे रहे हो, जी एक्स से हम भाग दे रहे हैं, यानी कि ये बहुपद है, इस बहुपद को हम किससे भाग दे रहे हैं, जी एक्स से भाग दे रहे हैं, तो इससे भाग दे रहे हैं तो ये तो होता है भाज्य, ये बात तो आप जानते हो, जिसमें हम भाग देते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं वो होता है कौन, भाजक। ठीक है, सवाल को साथ साथ में समझते चलना, ठीक है। से भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल, आपको भागफल प्राप्त होता है x माइनस 2 और शेषफल कितना प्राप्त होता है माइनस का 2x प्लस 4। तो आपको g ऑफ x का मान ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, भाजक ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया है हमको, सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है सबसे पहले क्या दिया इसमें, भाजक कौन दिया है इसमें, देखिए भाजक दिया है हमको जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स ये दिया, इसी का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, भाज्य कौन दिया है, जिससे भाग दे रहे हैं वो कौन दिया है, ये वाला बहुपद, ये दिया है कि नहीं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का एक्स और प्लस का 2। क्लियर, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या दिया है, और हमको दिया है भागफल, तो उसको सभी को लिख लेते हैं। तो भागफल हमको दिया है, भागफल पहले है, तो x माइनस 2 भागफल है आपका, ठीक है, उसके बाद दिया है हमको शेषफल, शेषफल कितना है माइनस का 2x और प्लस का 4। क्लियर, जो जो हमको दिया था वो हमने सब क्या कर लिया, लिख लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको एक संबंध आपको याद होगा, जब भी हमको भाजक और भागफल को जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमको ये संबंध हमको याद रखना है, ये संबंध हमको क्लियरली याद रखना है। ये क्या होता है, देखिए जब हम भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। ये बात आपको समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमको क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसके बाद ये सवाल हो जाएगा। जैसे दो हमारा कौन है, दो में हम कितने का, दो से हम सातवां भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो दो तिया छः, हमारा एक शेषफल आ गया, तो ये तो हो गया हमारा कौन, भागफल। क्लियर, वैसे आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये आपका कौन है, भाजक, और ये कौन है, भाज्य, ठीक है, और ये कौन है, शेषफल, यही है ना। जब हम इसको इस संबंध में रखते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको, देखो हमने रखा भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होगा, भाज्य, यही है ना। क्या ये बोल रहे हैं कि जो भाज्य का मान होता है वो इस संबंध के बराबर होता है। जैसे हमने भागफल का मान लगा, भागफल हमारा कितना है 3, भाजक कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 1 बराबर भाज्य कितना था 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 1 बराबर कितना हो गया 7, और यहाँ पे 7 = 7 हो गया कि नहीं, ये वेरिफिकेशन हो गया, आपको ये वेरीफाई हो गया। तो आपको इसी को यूज़ करके हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको भाज्य भाजक का मान निकालना है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इसी संबंध को लिख देना है, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो भाजक चलो भागफल, ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, भागफल इंटू भाजक प्लस का शेषफल बराबर क्या होता है, भाज्य।
ये लिख लिया। अब जो मान है वो सब हम इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले हम भागफल रखते हैं, भागफल कौन है हमारा x माइनस टू, हमने क्या रख लिया यहाँ पे x माइनस टू इंटू भाजक कौन है, भाजक है हमारा g ऑफ x, तो हमने क्या लिख दिया g ऑफ x, ठीक है। प्लस शेषफल कौन है हमारा, शेषफल है हमारा माइनस का 2x और प्लस का 4, क्लियर। बराबर भाज्य कौन है, भाज्य हमारा ये वाला है, ठीक है, भाज्य ये है, ध्यान रखिए भाज्य कौन है, ये है ये पूरा, तो इसको लिख लीजिए एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, क्लियर। जो जो मान थे वो सब हमने रख लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस टू आपका वैसा का वैसा ही है, ठीक है, x माइनस टू हमने वैसा का वैसा ही लिख लिया, g ऑफ x को वैसा का वैसा ही लिख लिया, और प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 4, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या होगा यही, और एक्स क्यूब माइनस का क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का क्या हो गया 2, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो नंबर है इसको इधर पहुँचा देंगे, ठीक है, इसको इधर ही रखेंगे क्योंकि इसके गुणा में कौन है g ऑफ x, ठीक है, तो हमने इसको इधर ही रख लिया x माइनस टू जी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x, प्लस का x है तो जब ये 2x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई। और प्लस का 2 ये इधर ही है और ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे इसमें, x माइनस टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वैसा का वैसा ही, माइनस का 3x स्क्वायर वैसा का वैसा ही, क्लियर, और प्लस का x यहाँ पे, x और प्लस दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गया, प्लस का 2x और x कितना हो गया 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस के तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने आ गए, तो क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को। अब अगला स्टेप बस आपको ध्यान रखना है, हमको g ऑफ x का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब आपका ऊपर आएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2, क्लियर हो गया, बटे में ये जो संख्या x माइनस 2 हमेशा ये क्या है, गुणा में, और गुणा वाली संख्या बराबर क्यों सट जाती है, तो किस पे जाती है, बटे में, क्लियर, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो बहुपद है उसमें x माइनस टू का क्या करना है, भाग देना है। तो बस अब हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो भाग किस तरीके दिया जाता है वो तो आप जानते ही, चलिए भाग देते हैं, चलिए बच्चों अब इसमें भाग देते हैं। भाग में क्या आपको x क्यूब लिखना है, सबसे पहले ऐसा ही करते हैं, भाग हम पहले, और भाग किसका देना है, x का, x का भाग देंगे तो कौन आएगा, x का x है और 3 में से 1 गया तो कितना, 2, यानी x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे, x स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लियर, और ये x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपको पता है मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, यानी कि x माइनस 2 से, भाग तो अब आपको आ गया होगा, क्लियर, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स क्यू और माइनस का इसमें क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, तीन घात वाले को तीन घात वाले के नीचे लिख दो, इस दो घात वाले को दो घात वाले के नीचे लिख दो, क्लियर, लाइन बना दो माइनस और ये किसका, प्लस का, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का ही आएगा यहाँ पे, और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो क्या आएगा, x स्क्वायर, और इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो 3x माइनस का 2 वैसा का वैसा ही, क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब माइनस का x स्क्वायर है, उसमें किससे भाग देंगे, पहले दिया था उसी से x से भाग देंगे, तो कौन आएगा, आपको पता है एक x कट जाएगा तो x बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, इस माइनस के x को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, माइनस का x हमने यहाँ पे लिख दिया, अब माइनस का एक्स यहाँ पे लिख दिया, माइनस का एक्स का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और 2x, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको दो घात वाले को इसके यहाँ पे लिख देते हैं और प्लस के 2x को यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया लाइन, और ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तीन में से दो गया तो एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, प्लस क्या आएगा। अब x बचा है, इस x को फिर से हम क्या करेंगे, x से भाग देंगे, और x का x से भाग देंगे तो कौन आएगा, x आएगा, वो सॉरी एक आएगा, और इस एक को कहाँ लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे, एक को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और एक का जब x इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, लाइन खींच देंगे, ये माइनस का और ये किसका, प्लस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और जीरो आ गया, आगे कि नहीं। तो आपका जो ऊपर आया है, इसमें जो भागफल आया है, वही आपका कौन है, वही आपका जी ऑफ एक्स है। तो अतः क्या लिखेंगे इसमें, जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर, आपको बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।